डीडी समाचार की टीम आज ग्राम पंचायत 11 एसएलडी रानेर पहुंची है, पंचायत समिति लोनकणसर जिला बीकानेर। हम यहाँ के सरपंच साहब से पूछेंगे कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या कुछ विकास करवाया और क्या कुछ विकास करवाना बाकी है, जो इन्होंने संकल्प लिया था वो संकल्प पूर्ण हुआ या नहीं हुआ। उससे पहले हम समाज सेवक नजरे खान जी से बात करेंगे, जो कि सरपंच साहब के पिताजी हैं, कि इन्होंने जो राजनीति कैरियर कहाँ से शुरू किया और आगे ये क्या करेंगे। तो नजरे खान जी, हमारे चैनल में स्वागत है। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी, मैंने पहले यहाँ से पंचायत समिति का चुनाव लड़ा था, उसमें कुछ वोटों से मैं पीछे रह गया। उसी दिन से मेरा ये प्रयास जारी रहा, तो मेरी जनता ने मेरे बच्चे को नियुक्त करके सरपंच बना दिया, तो मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। उसी प्रयास से लोगों ने मेरे तरफ देखा कि ये नजरे खां का बच्चा सरपंच बनना चाहिए। नजरे खां जी, अब आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे साहब, जो मेरी जनता है, जिसके मैंने विकास किए हैं, उसी प्रकार जो जनता का फैसला होगा ना, वो मेरे को स्वीकार है। अब हम बात करते हैं सरपंच साहब से कि इन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर क्या विकास करवाया। सरपंच साहब, सबसे पहले तो सरकार की जो सबसे बड़ी स्कीम है स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपने लगभग क्या काम करवाया? स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमने शौचालय का निर्माण करवाया है, घर घर ढांढाणी। सरपंच साहब, इसके अलावा है महानरेगा। महानरेगा सबसे बड़ी स्कीम है और सरकार लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से यह स्कीम चालू की गई है, तो आप बताएंगे कि महानरेगा के तहत आपके कार्यकाल के अंदर क्या कुछ हुआ? जी, महानरेगा के तहत हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमने गृह सड़क निर्माण कार्य करवाया है, डाट कवरी का कार्य करवाया है और कैटल साइड यानी जो पशु साइड वाला वो भी करवाया। सरपंच साहब, पंडित दीनदयाल योजना के तहत पट्टे भी बनवाए जाते हैं, बिजली कनेक्शन है, आपने इसके तहत क्या कुछ करवाया? दीनदयाल योजना के तहत हमारी ग्राम पंचायत के अंदर हमने ढाणी ढाणी कनेक्शन करवाया, लाइट कनेक्शन। सरपंच साहब, इसके अलावा अन्य योजनाओं से भी आपने कोई विकास करवाया? जी, हमारी ग्राम पंचायत के अंदर अन्य योजना के तहत डाट कवरिंग का कार्य हुआ है और शमशान की चार दीवारी है, कब्रिस्तान की चार दीवारी है, स्कूल की चार दीवारी का कार्य करवाया है और गांव में जो रेवेन्यू रिकॉर्ड आबादी है उसके अंदर जो खड़वंजा निर्माण है, हर गली के अंदर जो जितनी गलियां हैं उसमें खड़वंजा निर्माण कार्य करवाया है और हमारी ग्राम पंचायत के अंदर जो मेन रस्ते की समस्या है उस रस्तों पे पुली निर्माण कार्य करवाए। सरपंच साहब, शिक्षा का सतर कैसा? शिक्षा अति आवश्यक है, मतलब आज के युग में, तो आप बताएंगे कि शिक्षा आपके क्षेत्र की कैसी है और कैसा चल रहे हैं स्कूल में? स्कूल अभी शिक्षा का जो सिस्टम है वो हमारी ग्राम पंचायत के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, अच्छा चल रहा है। पहले स्टाफ की कमी थी, अब स्टाफ भी पूर्ण है और बढ़िया तरीके से चल रही है शिक्षा। सरपंच साहब, अभी आगामी चुनाव आने वाले पंचायती राज के, तो पंचायती राज के चुनाव में आपकी भूमिका क्या रहेगी, क्या विचार है आपका, जनता जानना चाहेगी। पंचायती राज के चुनाव प्रोग्रेस पे है, तो पंचायती राज के चुनाव में मेरा तो यही है कि मेरी जो ग्राम पंचायत के लोग हैं वो उनको जो अच्छा लगेगा उनका निर्णय जो है वो मैं स्वीकार है। सरपंच साहब, अभी दीपावली का त्यौहार आ रहा है, उस पे आप जनता और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं इस दीपावली के पर्व पर मेरे देशवासियों को और मेरे ग्राम पंचायत वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये जो दीपावली का उत्सव है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हो और खुशहाली से रहे सभी का। डीडी समाचार से मैं मुंशीराम डागला, कैमरा पर्सन मुकेश।